हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून. और आज है 27th of Jan. और आज है एक स्पेशल डे. और मेरे गेटअप से आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या है, क्योंकि रोज रोज तो इतना करना होता नहीं है. तो चलो फिर आप देखते रहो कि आज है क्या. अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं जब ये ब्लॉग एंड होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या है और मैं क्यों इतनी तैयार हो रही हूँ. तो आप इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखें लास्ट तक. तो ये मैं रेडी हो गई हूँ और ये मैं पहन रही हूँ अपने इयर रिंग्स. Close till I get up. Time is barely on our side. और ये स्वेटर है. और एक सेकेंड, एक्चुअली ठंड बहुत ज्यादा है तो मुझे पहनना पड़ रहा है. ये मैंने साड़ी पहनी है. ये थोड़ी सी सिल्क, हाँ ये देख लो, ये इसकी प्रिंट है. मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ओवरऑल मैं बाद में दिखाऊंगी. मैं बस अभी जस्ट मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बाद में मैं पूरा आपको प्रॉपर दिखा दूंगी. कि अभी मैं थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ. ये शैम्पू वैम्पू किए मैंने. और ये स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत है, बिना विदाउट स्वेटर मैं रह नहीं सकती तो मुझे स्वेटर पहनना पड़ रहा है. और अभी जस्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ और मैं ये सीरम लगा रही हूँ बालों में. ये ममाअर्थ का सीरम, इसको मैं शैम्पू करने के बाद मैं लगाती हूँ. और आज मैं पहनूंगी ये. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अभी हम मंदिर जा रहे हैं तो मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए मैं आपको बोली थी ना कि साड़ी प्रॉपर मैं दिखाऊंगी, पर मैं दिखा नहीं पाई तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, इसके लिए सॉरी. ये आज हम आए हैं टेंपल में और यहाँ पे जो भगवान को जो हम जल चढ़ाते हैं ना, उसको यहाँ से निकालना होता है. वैसे हम इससे पानी निकालेंगे कुआं से और तब हम भगवान जी को चढ़ाएंगे. तो मेरे से तो नहीं हो रहा है, भारी है. तो एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको. आप निकालिए. ये देखो. पहले जब मैं छोटी थी ना तो मैं देखती थी, लेकिन बहुत दिनों बाद मैंने देखा है. तो यहाँ पे ना पैर वैर धुल के तब टेंपल में हमें जाना है. और ये बहुत फेमस टेंपल है. यही है टेम्पल.
तो ये जहाँ हम रहते हैं ना मुजफ्फरपुर बिहार में, वहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है श्री गरीबनाथ मंदिर। मतलब बहुत मान्यता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। और ये यहाँ का प्रसाद है, तो ये अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ाएंगे। ये है शंकर भगवान का मंदिर है ना, शंकर भगवान का ना। हाँ तो भैया अभी फिर हम जल चढ़ा के आते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। चलो और ये जहाँ हम टेंपल गए थे ना, वहाँ पे ये जो पेड़ा है ये बहुत मतलब अच्छी वाली मिलती है, बहुत टेस्टी वाली। तो वही पूजा करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा प्रसाद ले लिया जाए घर के लिए, तो वही आए थे हम यहाँ पे। मतलब और मिठाई तो जो है सो है, बट पेड़ा मतलब बहुत टेस्टी होता है इस जगह का जहाँ पे ये टेंपल है, तो वही हम पेड़ा ले रहे थे। और आ गई मैं टेंपल से वापस, और मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए। ये सारी बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरे पास एक न्यू सूट रखी थी, तो वो मैंने पहन ली, और ऊपर से एक न्यू वाली स्वेटर। और फिर आने के बाद फिर हम लोगों ने लंच वंच किया, क्योंकि मुझे टेंपल जाना था, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो फिर आके फटाफट हम लोग लंच किया, और अब जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही भागम भाग चल रहा है। चलो फिर मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आपसे। हेलो गाइज, और मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, क्योंकि कल शाम को जो मैंने बात की थी कि मैं वापस आ गई हूँ टेंपल से, उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी और मेरा बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा था उस समय आने के बाद वहाँ से टेंपल से। और कल मैंने जैसे अपने वीडियो में बताया था कि कल मतलब वीडियो के एंड में बताऊँगी कि आज क्या है, तो वही कल हमारा मैरिज एनिवर्सरी था, और इसी के लिए हम टेंपल गए थे। और फिर प्लान था कि शाम को हम सब मिलके जाएंगे डिनर करने, पर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं बच्चों को लेके जाना नहीं चाह रही थी, कि जितना वहाँ पे एंजॉय नहीं करेंगे उससे ज़्यादा कहीं हो सकता उनकी तबीयत वबीयत इतना ख़राब हो जाए, क्योंकि कल शाम को बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी।
तो वही टेम्पल से आने के बाद हम लोग लंच करके, और ये था कि चलो शाम को सब लोग अब मिल के जाएंगे और डिनर करके वहाँ से वापस आएंगे, लेकिन ठंड की वजह से सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई। और उसके बाद से मेरा भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आके, मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने कोई वीडियो भी आगे नहीं बनाई। फिर रात में हम लोग खाना वाना खा लिया, फिर वही सो गए। और आज नेक्स्ट डे है, तो वही मैं सोची कि मैं अपने बता दूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बताया नहीं था और मेरी सारी मतलब लगभग मैं फिनिश करने वाली थी वीडियो। तो वही कल हमारा मैरिज एनिवर्सरी था और हम इसके लिए टेंपल गए थे। और आज कल हमें निकलना था, तो कल का वेदर इतना ख़राब था और आज का वेदर इतना अच्छा, इतनी अच्छी धूप आई हुई है। तो वही मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा वेदर है। तो यही सब है, बस ऐसे ऐसे हमने मनाया अपना, क्योंकि कब हम यहाँ पे मतलब शादी, अभी मैं ससुराल में हूँ, मतलब थोड़े दिनों के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो शादी के फर्स्ट ईयर शायद मैं यहाँ पे रही थी, उसके बाद ही मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ पे हूँ। और मैं जहाँ जहाँ बाहर बाहर रहती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ इतनी ठंड कभी इस डे पे होता नहीं था, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे कब बाहर जाना, घूमना और डिनर उनर करना, मतलब जो होता है नॉर्मली जैसे लोग मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई। तो यही सब है। चलो फिर मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे का मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी वीडियो को, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो कितनी अच्छी धूप आई है आज, और कल हम वेट कर रहे थे धूप का, तो कल इतनी ज़्यादा ठंड थी। और ये मेरे दोनों बच्चे अपने दादी के साथ बैठ के धूप में मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। चलो फिर अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।